अमानत हो, अमानत हो। सिसकती रहती है ये सांसें। हाँ जी, तो आते ही हम स्टैंड पे पहुंच गए थे, तो मैंने सुबह कुछ देख लिया, सर्दियाँ आ गई थी तो मैंने सोचा कुछ अच्छा चंगा मिल जाए तो हम ले लेते हैं भाई। तो हम देख रहे थे खुद के लिए कुछ अच्छा लग जाए, मैंने सोचा अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर दूँ अपना वीडियो, तो मैंने सोचा लाइव हो जाए, तो लाइव सोचा तो मेरे सब्सक्राइब तो कम्प्लीट हुए ही नहीं, तो भाई लाइव कैसे आ सकती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आज का व्लॉग ही मेरे व्यूज़ के लिए बहुत होगा, तो मेरे व्यूज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा 2000 कंप्लीट हो जाए सब्सक्राइब एंड, तो मैं लाइव आ सकती हूँ आपके साथ लाइव शेयर कर सकती हूँ अपनी चीज़ें, अपनी आपके एडवाइस ले सकती हूँ मैं हर चीज़ में। तो सब्सक्राइब कर दिए, शेयर भी कर दें मेरे प्यारों के साथ। तो अभी हम देख रहे थे तो ये सामने इसने सूट रहा देखा, मुझे इतनी हंसी आई कि भाई ये क्या है, मैं इसके बाजू देखो ना इसे आगे थे, तो मुझे चंगा नहीं लगा, मैंने कहा भाई रख दे, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं फिर दूसरा देख रही थी, ये भी अच्छा लग रहा था ब्लैक वाला, एंड ये ओनली शर्ट्स थी जो अभी मैं देख रही थी, तो मैं शर्ट्स थी तो मैंने स्किप कर दी इस बार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बोला नेक्स्ट टाइम हम लेंगे। अभी ये शर्ट्स थे बहुत सर्दियों के लिए, इतनी खास नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी। एंड मैं स्टाइलू पे आऊँ और सेंट ना देखूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैं झट से देखने लगी कि भाई वो लड़का निकाल रहा था पर्ची में, क्या आप चिस्ता निकालो, मैं देखती हूँ इसकी फ्रेगनेंस कैसी है। तो अमेजिंग, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी, ट्रस्ट मी गाइस, मैं स्टाइल पे आती हूँ मुझे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस लगती है, बिकॉज कभी कभी देखो होता है ना अच्छी नहीं होती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टेस्ट करूँ, मैं देखूँ अपने व्यूज़ को इसके रिव्यू दूँ कि ये अच्छी है या ये नहीं है। देखो कभी कभार ऐसा होता है कहीं यूज़ करने के लिए नहीं होता, तो मैंने बोला कि भाई यूज़ करते हैं और व्यूज़ के साथ शेयर करते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। तो मैं इसको खुद निकाल के दे रही थी तो मुझे ये देखनी है, तो वो निकाल के दे रहा था, तो डायपर वाली मैंने देख ली थी, तो मैंने उसको बोला कि ये मेरे पास है ऑलरेडी, तो ये आप नहीं दिखाई, ये मैंने देखी हुई है। सो हाँ जी, तो इसके कार्ड हो गए थे ख़त्म, इसने बोला कि रुक जाए भाई मैं कार्ड निकाल लेता हूँ, तो मैंने बोला चलो सही है। तो सिस्टर से मैंने सेलफोन ले ली थी, मैं खुद ही देख रही थी जब तक इसके कार्ड निकले, तो अच्छी तरह से मैं देख रही थी कि भाई कौन सी चाहिए कौन सी नहीं, तो इसको मैं खुद निकाल के दे रही थी कि मुझे ये देखनी है, ये न्यू स्टॉक आया तो मुझे देखनी थी, तो मैंने इसको ये वाली पिंक वाली दे दी थी, तो मुझे इसके दिखाओ, तो वो चला गया भाई, उसके कार्ड्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा मैं खुद ही देख लेती हूँ जब तक आप, वो मुझे लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं खुद ही देख रही थी। एंड इसकी फ्रेगनेंस कुछ इतनी अमेजिंग थी ना, इतनी अमेजिंग थी, चॉकलेट टाइप थी, इट्स वेरी अमेजिंग, जिसको चॉकलेट वाली चीज़ें बहुत पसंद है लाइक मी, तो उसके लिए इट्स बेस्ट है ये वाली परफ्यूम, इट्स वेरी अमेजिंग। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ट्रस्ट मी यूज़ करना आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छी है, अमेजिंग है, ट्रस्ट मी गाइस। तो उसके बाद मैंने इसको बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अच्छी सेंट्स होती है स्टाइल वाले की, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसकी फ्रेगनेंस रेन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ट्रस्ट में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ट्रस्ट में। तो मैं खुद ही चेक कर रही थी क्योंकि मुझे टाइम में बहुत टाइम हो गया था, ठीक है जी। तो स्टाइलू पे क्योंकि मम्मा स्लीपर देख रही थी छोटी बहन के लिए, तो उसके लिए मम्मा की जब तक स्लीपर देखे तब तक मैं ना इसकी फ्रेगनेंस देख लेती हूँ, व्यूज़ के साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये भी मैंने देखी तो अच्छी लगी थी मुझे, सही थी बस, नॉर्मल थी, अच्छी लगी बस नॉर्मल। तो ये मैंने पिंक वाली इसको निकाल के दी, इट्स वेरी अमेजिंग, इट्स बाल, इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत ज़्यादा लाइक जैसे फ्लावर नहीं होता, फ्लावर जैसे फ्रेगनेंस है इसकी, ठीक है जी, इट्स वेरी अमेजिंग। ये पियो मेरे हाथ में है ना अभी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, जो इसको फ्लावर वाली नॉर्मल फ्रेगनेंस पसंद है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा। सो मैं इसको वो ये रिकमेंड करूँगी, इसके नॉर्मल लाइक गर्ल्स लगा सकती, ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है जी। तो इसकी फ्रेगनेंस भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मुझे ये दिख रहा था मैंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, इतनी ख़ास नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद ही सेकंड देख रही थी, तो इट्स वेरी अमेजिंग, ये इसका नाम मैं नहीं देख पाई क्योंकि इसके हाथ में थी और मैं सिस्टर से बात कर रही थी। सो इसकी फ्रेगनेंस भी कुछ अच्छी ही थी माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा इसकी फ्रेगनेंस, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा। तो अम्मी वाली ये देख रही थी सूट और बोल रही थी ले लो भाई ले लो, मैं बोला अच्छे नहीं लग रहे मम्मा जी, तो मैंने स्किप कर दी, मम्मा ये आप ही देख लो मैं जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ ये चीज़ें।
तो मामा बोले अच्छा चलो सही है, मैं खुद देख लेती हूँ खुद के लिए। मैं क्या चलो सही है। तो मैं ना अम्मी आलू को यहाँ पर छोड़ के चली गई सिस्टर के पास, ठीक है, क्योंकि उसको ना कुछ ड्रेसेस लेने थे। तो मैं उसके पास चली गई, तो ड्रेसेस वो ले रही थी, तो मैंने ये शर्ट देखी, तो मैंने देखी खुद, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूज़ के दिखाऊँ। तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना शर्ट्स, मैं उसको बोलती हूँ कि शेयर कर दूँ अपनी सिस्टर के साथ। तो ये कितनी क्यूट सी कुर्ती थी ना, बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा सिंपल भी थी, बहुत प्यारी थी। देखो इसकी बाजू कितनी प्यारे है, एंड इसकी आगे पीछे बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत सिंपल थी। इसका जो कपड़ा था ना वो सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ना मैं अभी आपको लिए एक स्लीपर लेके आई थी, ये लो। मैं जब भी जाती हूँ ना स्टॉल पे, कभी पर्स ये लो देखती हूँ, कभी स्लीपर। तो ना मुझे आज स्लीपर दिखी, तो मुझसे छोटी हो गई थी भाई। तो मैंने उसने ये निकाल के दी, तो ये लो। मैं कहा भाई मुझे ये लो ही चाहिए, ये लो। मैं नसीब में पता नहीं क्यों नहीं होता। तो उसके बाद मैं गोल्ड पे आ गई थी उसको छोड़कर। तो मम्मा बोल इयर रिंग्स ले लो, मैंने कहा बोला मम्मा मुझे इयर रिंग्स चाहिए, बट मुझे ना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल चाहिए। तो उसने बोला देख लो। तो मैं देख रही थी, बट पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा था आज, मुझे कुछ भी नहीं, ये अच्छी लग रहा था। मम्मा ने बोला ये नहीं लो, इतनी खास नहीं है। तो मैंने बोला छोड़ो भाई, किससे पूछूँ, मम्मा व्यूज़ भी साथ नहीं है। तो अभी देख रहे थे आपके साथ, अभी तुम भी दिखा रही हूँ वेल। मैं अभी तक खुद के लिए लेके नहीं आई, कुछ दिनों के बाद जाऊंगी। तो मुझे कमेंट में बताना मैं कौन से लूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने फिर से स्किप कर दी, सिस्टर वालों ने भी इयर रिंग्स लिए हैं, मैंने नहीं लिए। तो उसके बाद मम्मा अभी आई थी एक सिस्टर के लिए ड्रेस लेने, एक छोटी सिस्टर थी। तो यहाँ पे कपड़े देखो भाई कितने महंगे थे, एक तो सिंपल ऊपर से महंगे, और ये छुटकू सा कोट वेरी अमेजिंग। मैं जब जाती हूँ ना बच्चों की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है, इतना क्यूट था, इतना नरम कुछ कुछ था, वेरी अमेजिंग। उसके बाद ये शर्ट्स थी इतनी प्यारी प्यारी, बच्चों की कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती है, अल्लाह बहुत प्यारी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला मैं कार में जाती हूँ, तो भूख लगी थी तो फिंगर चिप्स ले ली थी। उसके बाद मम्मा आई और हम घर जा रहे थे, बहुत ज्यादा लेट हो रीत न जानू रिवाज न मानू मैं ते ठहरा सदा बनू। तो उसके बाद मैं ये आईलाइनर लेके आई थी, मुझे ये अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा व्यूज़ के साथ शेयर कर, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे अच्छा लगता है। तो चाहे आप यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने सामान लिए थे, बट मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ये सन क्रीम है मैं यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी अमेजिंग, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी स्किन को सूट भी है। आपको अच्छी लगती है तो ले लेना। एंड ये ग्रेसलिन मैंने ली थी क्योंकि सर्दियाँ आने वाली, तो ये क्रीम है ठीक है जी, ये लोशन नहीं है ठीक है। इट्स वेरी अमेजिंग, ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है। आप फुट पे लगा सकते हो, हैंड पे लगा सकते हो, मेन फीमेल ऑल टाइप स्किन लगा सकते हो, इट्स वेरी अमेजिंग, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, तो ये सन क्रीम एंड ये क्रीम मैं सर्दियों में लाजिम यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी अमेजिंग। तो यहाँ ये मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकती, आपकी मर्ज़ी अपनी। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।